महानगरों की तर्ज पर रीवा में भी टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर IVF की शुरुआत हो चुकी है। रीवा के खुटेही में मिश्रा नर्सिंग होम एंड डायग्नोस्टिक फाउंडेशन में प्रथम टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर का क्लिनिक पिछले 6 वर्षों से संचालित है। इसकी एक इकाई सीधी में भी संचालित की जा रही है। IVF की सुविधा वहां भी है। यह शुरुआत विंध्य के एक छोटे से जिले सीधी में वर्ष 2016 में हुई थी। सबसे पहले इसकी शुरुआत डॉक्टर बीना मिश्रा ने किया था। इसके बाद उन्होंने अपना दायरा बढ़ाने के लिए और पूरे विंध्य क्षेत्र के लोगों को इसका फायदा देने के लिए रीवा में इसकी शुरुआत की थी। डॉक्टर बीना मिश्रा बताती हैं कि शुरुआती दिनों में विंध्य क्षेत्र के लिए ये बिल्कुल नया था। यहाँ IVF को लेकर काम करना बहुत चैलेंजिंग था, लोगों में जागरूकता का अभाव था, लेकिन अब धीरे धीरे IVF को लेकर लोगों की धारणा बदल रही है। महानगरों में तो सरकारी अस्पतालों में भी IVF की सुविधा मिल जाती है और वहां लोग बेहिचक इस तकनीकी का सहारा लेकर माता पिता बनने की चाहत रखते हैं, लेकिन रीवा सीधी जैसे क्षेत्रों के लिए ये पूरी तरह से नया है। हालांकि डॉक्टर बीना मिश्रा लगातार निःशुल्क परामर्श केंद्र चलाकर लोगों को जागरूक करने का काम कर रही हैं। इसके लिए वो विंध्य के अलग अलग शहरों में लगातार निःशुल्क परामर्श केंद्र भी चलाती रहती हैं। हाँ बिल्कुल किया है हमने, और मैंने बहुत छोटी जगह से शुरुआत की है, सीधी से शुरुआत की है 2016 में, और उसके बाद रीवा आई मैं। चैलेंज तो अब ये हालत थी कि हार्मोन इंजेक्शन तक नहीं मिलते थे, नाइट्रोजन मंगाने के लिए फिर मुझे इंदौर, फिर इंदौर से भोपाल, मतलब काफ़ी स्ट्रगल फेस करना पड़ा है। लेकिन ये है कि जो भी पेशेंट मिले, मैं ये नहीं बोलूँगी मुझे शुरुआत से ही बहुत एकदम से हाईटेक और बहुत पेशेंट मिल गए, लेकिन जितने भी मिले वो बहुत फेथ के साथ और बहुत अच्छा उनका वो रहा और रिज़ल्ट भी मिला उनको। और ये है कि डिफ़िकल्ट तो है ही, छोटी जगह से स्टार्ट करना और फिर उस चीज़ को बढ़ाना थोड़ा अभी भी मेरे लिए चैलेंजिंग तो है ही, चल ही रहा है ये। रीवा एक सा सीधी में मैंने 2016 में डाला था और रीवा में मैंने 2017 में मैंने स्टार्ट कर दिया था। और रीवा में ये था कि पेशेंट लोग मतलब IVF नहीं, इनफर्टिलिटी सुन के लोग आए कि जिसको, क्योंकि हमने अपने आगे मांझपन का जो मीनिंग वो करके लगा रखा है, वो लोग आए मेरे पास और जो जानते थे वो लोग भी आए कि देखें ज़रा इनका क्या है और ये क्या क्या फैसिलिटीज़ रखते हैं। तो उसमें से शुरुआत जो थी वो थी तो थोड़ी थोड़ी ही, लेकिन अच्छी थी शुरुआत, मतलब जो भी जितने भी किए बहुत फुल फेथ के साथ, क्योंकि हम लोग अब चूँकि नया सेटअप था और हमारे लिए भी ये थोड़ा चैलेंजिंग फील्ड है, तो हम लोग जो पेशेंट से बात करना हो, काफ़ी अच्छे से काउंसिल करना, तो ये है कि शुरुआत भी डिफ़िकल्ट है लेकिन अच्छा भी रहा, अच्छा ही बोलूँगी मैं उस चीज़ को। अच्छा लोग आके समझते हैं, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं रहता है, लोग 18 जैसे हमारे पास अभी भी सीधी वगैरह में भी लोग जो आते हैं या यहाँ भी जो आते हैं 12-12 साल हो जाते हैं, क्यों बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो कहीं दिखाया नहीं दिखाया, क्या करा रहे थे, झाड़ फूक करा रहे थे, यहाँ वहीं लोकल बंगाली डॉक्टर से इलाज करा रहे थे, जो फालतू में एक जो ट्रेंड था DNC कराने का, मतलब कोई ज़्यादातर पेशेंट मेरे पास हुआ है कि हम इतनी बार DNC कराए उसके बाद भी हमारा बच्चा नहीं रुका। तो धीरे 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 अब जैसे हाँ मैं जितना अपनी तरफ से बता सकती हूँ उनको कि ये गलत है, ये नहीं गलत है कि आप DNC नहीं कराओ, लेकिन उसके प्रॉपर कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, कुछ टाइमिंग होता है, तो इस तरह अब शुरुआत तो की है और काफ़ी लोग अब इस चीज़ को जान भी गए हैं, अब तो काफ़ी लोग जानते भी हैं कि हाँ भाई IVF अब इतने दिन हो गए हैं शादी के तो मुझे IVF पे जाना चाहिए, आते हैं मिलते हैं। IVF का जो मतलब है वो देखिए, अगर जो वैसे देखा जाए इनविट्रो फर्टिलाइजेशन, इनविट्रो का मतलब है कि ग्लास के अंदर, तो जो प्रक्रिया अंदर हो रही है, मतलब जो अंडे और शुक्राणु मिलके जो भ्रूण तैयार होते हैं और फिर बच्चेदानी में इम्प्लांट होते हैं, उस चीज़ को हम बाहर, मतलब अंडे को हम सोनोग्राफी की मदद से बाहर निकालते हैं, पति का शुक्राणु लेके भ्रूण तैयार करते हैं मशीन के अंदर, और तीसरे से चौथे दिन हम बच्चेदानी में वापस रख देते हैं जब अच्छा भ्रूण तैयार हो जाता है, तब इस प्रक्रिया को बोलते हैं इनविट्रो फर्टिलाइजेशन। चूँकि ये ग्लास डिस्क में होता है इसलिए इसको नाम दिया है IVF।